नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रविंदर सिंह और आज इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा पिक्सल का पूरा प्रोसेस कि पिक्सल क्या होते हैं, पिक्सल कैसे दिखते हैं, पिक्सल के कितने प्रकार होते हैं। पिक्सल साइज के आपने सुना होगा एमबी, केबी, जीबी, लेकिन इससे भी आगे होते हैं, उनकी रिजोल्यूशन साइज क्या होती है, तो ये सारा का सारा प्रोसेस मैं इसी वीडियो में समझाऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो समझने से पहले, पूरा का पूरा प्रोसेस जो है समझने से पहले, मैं आपको बता दूं कि आपको बड़े ध्यान से और गहराई से समझना, ये बहुत ही नॉलेज की चीज़ है दोस्तों, बहुत ही नॉलेज की, इसको मैंने बहुत ही मेहनत से बनाया है। तो सबसे पहला जो सवाल आता है फ्रेंड्स कि व्हाट इज पिक्सल, पिक्सल क्या है, तो पहले मैं बताऊंगा कि पिक्सल दिखता कैसा है और पिक्सल होता जो है वो क्या है। तो फ्रेंड्स, मैं एक इमेज के जरिए आपको अभी समझाऊंगा कि पिक्सल कैसा दिखता है और पिक्सल क्या होता है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए आपके सामने जो इमेज नजर आ रही है, यही है पिक्सल। स्क्रीन पर चित्र बनाने की सबसे छोटी इकाई या यूनिट को पिक्सल कहा जाता है दोस्तों। ये मैंने खुद तैयार किया है दोस्तों, ये आपको कोई भी यूट्यूबर या फिर कहीं भी नहीं मिलेगा दोस्तों, सर्च करके देख लीजिए। बहुत ही मेहनत से 2 दिन लगा के मैंने इसे बनाया है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो छोटे छोटे डॉट नजर आ रहे हैं, ये इसको मैंने एक साइड में बड़ा भी करके दिखाया है, इस डॉट को देखिए, ये होता है एक डॉट एक पिक्सल है, यानी कि इसमें बहुत सारे पिक्सल है। कितने पिक्सल है वो मैं आपको रिजोल्यूशन साइज में समझा दूंगा, करोड़ों लाखों पिक्सल है। तो दोस्तों, किस प्रकार के पिक्सल है ये तो आप जान गए हैं कि पिक्सल किसे कहते हैं और कैसा दिखता है। अब हम बात करेंगे पिक्सल साइज जो है कितने प्रकार की होती है, इसमें आपको सारा का सारा प्रोसेस जो है समझ में आएगा आपके केबी एमबी वगैरह का। तो चलिए, ये देखिए दोस्तों, इस चार्ट को मैंने जो है बनाया है, ये देखिए यहाँ पर सबसे ऊपर नंबर लिखे हुए, यानी कि टोटल जो पिक्सल साइज होती है वो होती है 9 प्रकार की, अभी 9 प्रकार की है, आगे बढ़ सकती है भविष्य में। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं पिक्सल साइज, देखिए यहाँ पर 144 पिक्सल, 200, ये पी का मतलब पिक्सल है, 144 पिक्सल, 240 पिक्सल, 360 पिक्सल, 480 पिक्सल, 720 पिक्सल, 1080 पिक्सल, 2K, 4K, 8K, ये साइज का जो है अभी हाई लेवल आ गया है, यानी कि साइज को और बढ़ा दिया गया, मॉडिफाई कर दिया गया। तो देखिए रिजोल्यूशन साइज, यानी कि 144 पिक्सल में जो है रिजोल्यूशन साइज कितनी होती है, कितनी साइज, यानी कि स्क्वायर फीट की तरह है दोस्तों, देख लीजिए बीच में इंटू का सिंगल है या सिंबल है, स्क्वायर फीट की तरह है। किस प्रकार से, ये मैं आपको अभी समझाता हूँ, आप इस साइड को देखने के बाद में आपको जो है, अभी जो तीसरा सवाल हमारा आता है कि रिजोल्यूशन साइज क्या है, इसके अंदर आप इस चार्ट को है बिल्कुल सही तरीके से समझेंगे कि ये जो प्रोसेस है पूरा का पूरा पिक्सल का, कि जो है 144 जो जिसने आपने अभी देखा होगा 144 पिक्सल का, कि 144 पिक्सल ये किस तरह से बनता है, इसमें कितने पिक्सल होते हैं, किस तरीके से बनता है। जैसे कि मैंने अभी बोला कि अभी जो है ये स्क्वायर फीट, हम जैसे कोई प्लॉट का काटते हैं 40x50 का स्क्वायर फीट है, तो 40x50 को जो गुणा करके स्क्वायर फीट निकालते, उसी तरह दोस्तों ये है, ये डिस्प्ले, जो भी डिस्प्ले स्क्रीन की साइज होती है, चाहे वो किसी भी कंप्यूटर की हो, मॉनिटर, कोई किसी भी चीज़ की साइज हो, चाहे फ़ोन की हो, तो इस पर किस प्रकार से होती है ये देखिए, आप अपनी देख सकते हैं आंखों से। ये देखिए सबसे पहला प्रकार है पिक्सल का, वो 144 पिक्सल है डिस्प्ले पर। ये देखिए साइड में मैंने कंप्यूटर भी बना रखा है, इसकी डिस्प्ले जो है इस बड़ी करके दिखाइए, मैंने देखिए ऊपर की जो साइज है 144 पिक्सल में 256 पिक्सल है, ठीक है ना, 256 पिक्सल एक ऊपर की लाइन में, ऐसी बहुत सारी लाइनें नीचे आती है। और दोस्तों इस साइड देख सकते हैं 144 पिक्सल, यानी कि जो वर्टिकल लाइन है या ऊर्ध्वाधर रेखा है, यानी कि आसमान की तरफ, उस एक लाइन में, मैं सभी लाइनों की बात नहीं कर रहा हूँ, एक लाइन में 144 पिक्सल होते हैं, और जो एक लाइन में आसमान की तरह 144 पिक्सल होते हैं एक लाइन में, ऐसी बहुत सारी लाइनें हैं इधर। और देखिए हॉरिजॉन्टल है जो 36 लाइन है, यानी कि आड़ी लाइन है, उसमें 256 पिक्सल है एक लाइन में, ऐसी बहुत सारी लाइनें। देखिए दोस्तों, ये पिक्सल नीचे जितने भी डॉट है, ये सारा का सारा ये। और दोस्तों किस प्रकार से रिजोल्यूशन साइज है, देखिए 256 × 144 करेंगे तो इसकी जो है रिजोल्यूशन, यानी कि पिक्सल निकल आएंगे कि इसके अंदर कितने पिक्सल है। ये दोस्तों बिल्कुल प्लॉट के समान है, प्लॉट की तरह स्क्वायर फीट निकालते उसी तरह है। देखिए 36,864 पिक्सल है इस पूरी डिस्प्ले में, यदि डिस्प्ले 144 पिक्सल की है, यानी कि डिस्प्ले यदि 144 पिक्सल की चल रही है, तो इसमें जो है इतने पिक्सल जो है अभी प्रोसेस कर रहे हैं, इतने पिक्सल जो है वो प्रक्रिया कर रहे हैं, यानी कि 36,864 जो है छोटे छोटे पिक्सल है वो अभी इस स्क्रीन पर घूम रहे हैं, चल रहे हैं दोस्तों। तो यही है पिक्सल्स, पहली साइज। दूसरी साइज 240 पिक्सल, ये सेम टू सेम है जैसे मैंने अभी समझाया, देखिए आप नीचे देख सकते हैं रिजोल्यूशन साइज मैंने निकाली है, रिजोल्यूशन साइज ये होती है 320 पिक्सल गुणा 240 पिक्सल,
तो ये जो है गुणा वाला यानी कि इंटू का सिंबल है 220 यानी कि 320 पिक्सल और 240 पिक्सल, ये जो है रिजोल्यूशन साइज है, इसको काउंट करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप 76 आप देख सकते हैं यहाँ पर आगे आपकी संख्या थी, मैंने अभी देख नहीं पाया इसे। तो तीसरा जो पिक्सल का प्रकार होता है वो है 360 पिक्सल, यानी कि तीसरा तीन प्रकार का है, पहला 144, दूसरा 240 था या 240 ही था, और तीसरा 360 है, तीसरा 360 है, बिल्कुल सेम टू सेम प्रोसेस है जो बाकी प्रोसेस आगे वाला था, यानी कि आगे जो पिक्सल साइज मैंने समझाई थी, रिजोल्यूशन साइज समझाई थी, पिक्सल कितने होते हैं, सेम टू सेम उसी तरह बाकी जो है ये पिक्सल से। ये देखिए चौथा जो प्रकार का है वो है 480 पिक्सल, 480 पिक्सल की जो रिजोल्यूशन साइज या फिर स्क्रीन होती है 480 पिक्सल की एसडी, यानी कि स्टैंडर्ड डेफिनेशन। फ्रेंड्स एसडी का मतलब होता है स्टैंडर्ड डेफिनेशन की जो है डिस्प्ले होती है, यदि 480 पिक्सल की डिस्प्ले है तो उसमें 640 पिक्सल ऊपर की एक लाइन में होंगे और जो ये वर्टिकल लाइन है यानी कि आसमान की तरफ ऊर्ध्वाधर, इसमें 480 पिक्सल एक लाइन में हो गए और ऐसी बहुत सारी लाइनें हैं इसमें, टोटल मिला के इसमें 307,200 पिक्सल जो है यहाँ पर होंगे टोटल। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम है दोस्तों। पांचवा जो है, पांचवा प्रकार है पिक्सल का, तो वो है पांचवे प्रकार में आता है 720 पिक्सल HD हाई डेफिनेशन। फ्रेंड्स HD का मतलब होता है हाई डेफिनेशन, ये दोस्तों अभी ये जो है पांचवा प्रकार है, यानी कि पांचवे प्रकार में हम अभी आए, पांचवा टाइप है ये पिक्सल्स का। तो दोस्तों ये सेम टू सेम उसी तरह है जिस तरह से मैंने आगे समझाया है कि रिजोल्यूशन साइज कितनी, आप देख सकते हैं 1280 पिक्सल इंटू 720 पिक्सल, और इसको जब काउंट करेंगे तो 921,600 पिक्सल्स है दोस्तों इसके अंदर, यानी कि 720 पिक्सल की जो HD डिस्प्ले होती है उसके अंदर यदि हम 720 की क्वालिटी करके वीडियो में देखेंगे तो इतने जो पिक्सल है वो एक साथ प्रोसेस करेंगे। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये छठी साइज है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, तो यहाँ पर आप जब साइज देखेंगे तो देखिए अलग साइज नजर आएगी आपको, क्योंकि यहाँ पर जो है ये छठी साइज में यानी कि 1080 पिक्सल फुल HD फुल हाई डेफिनेशन की, ये जो 1000 पिक्सल की जो डिस्प्ले होती है या फिर स्क्रीन या फिर क्वालिटी होती है वीडियो क्वालिटी 1080 पिक्सल की, उसमें टोटल पिक्सल चलते हैं यहाँ पर देखिए 2073,600 के आसपास जो है इतने पिक्सल चलते हैं एक साथ दोस्तों। तो आप देख सकते हैं इसकी सातवें नंबर की साइज 2 पिक्सल, सातवें नंबर पर जो है सात नंबर की जो क्वालिटी होती है वीडियो क्वालिटी, सात नंबर की वीडियो क्वालिटी या डिस्प्ले की जो साइज होती है जिस पर वीडियो चलता है, सातवें नंबर की क्वालिटी जो होती है 2 अल्ट्रा के, यानी कि 2K अल्ट्रा HD, यानी कि अल्ट्रा यानी अत्यंत ज्यादा हाई डेफिनेशन, यानी कि 2K बोला जाता उसको, इतने इसके फ्रेंड इसमें जो है कितने प्रोसेस जो है पिक्सल करते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है ये कम से कम 3,68,06,400 पिक्सल जो है इसमें एक साथ प्रोसेस करते हैं दोस्तों इस स्क्रीन पर, यानी कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन दोनों में जो है ये बहुत सारी लाइनें होती है ऐसे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, तो इसमें इतने सारे पिक्सल जो है प्रोसेस करते हैं। तो दोस्तों आठवें नंबर पर जो हमारा वीडियो क्वालिटी आता है स्क्रीन पर डिस्प्ले पर, जो आठवें नंबर की वीडियो क्वालिटी होती है या कोई भी इमेज होती है कुछ भी होता है, यानी कि पिक्सल यदि हाई होगा तो यहाँ पर देखिए 4K अल्ट्रा HD यानी कि 4K अत्यंत हाई डेफिनेशन 4K की जो क्वालिटी होती है वीडियो क्वालिटी उसमें जो है करीबन यहाँ पर 8,29,04,400 पिक्सल जो है फ्रेंड प्रोसेस करते हैं इस स्क्रीन के अंदर, इतने सारे जो है पिक्सल्स है वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन में घूमते हैं चलते हमें कुछ चित्र वगैरह या फिर कोई भी वीडियो दिखाते हैं। तो दोस्तों इतने सारे पिक्सल, और अभी जो वर्तमान में अभी जो हाई क्वालिटी है यानी कि वीडियो की जो हाई क्वालिटी है जो डिस्प्ले पे स्क्रीन पे चलती है वो है 8K दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा जो है अभी वर्तमान में ट्रेंड में जो चल रही है, ऐसे नहीं है कि इससे ये जो है ये जो क्रॉसिंग लाइन है वर्तमान में आगे बढ़ सकती है, यानी कि 8K से भी ऊपर 16K हो सकता है, लेकिन अभी जो मैं बात कर रहा हूँ 8K की है, यानी कि 8K में अल्ट्रा जो है अत्यंत हाई डेफिनेशन 8K बहुत ही साफ क्वालिटी होती है फ्रेंड्स। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अल्ट्रा के में जो है कितने पिक्सल एक साथ प्रोसेस करते हैं दोस्तों, देख सकते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं 3,31,77,600 जो है
पिक्सल एक साथ प्रोसेस करते हैं एक स्क्रीन पर, जब ये वीडियो क्वालिटी हम करेंगे, इतने सारे दोस्तों छोटे छोटे पिक्सल हैं जो हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन में चलते हैं दोस्तों। तो पिक्सल छोटे छोटे होते हैं, आपने समझ लिया, और पूरा का पूरा प्रोसेस है जो पिक्सल का वो आपने समझ लिया होगा दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि मेरे जो ये बनाए हुए गए सारे जो मैंने अभी ग्राफिक्स बनाए आपको समझने के लिए, ये किसी भी तरह फालतू नहीं जाएंगे दोस्तों। आप रिसोल्यूशन साइज को भी समझ दोस्तों, रिसोल्यूशन साइज यही है, देखिए ये जो अभी 7680 पिक्सल गुणा यानी कि इंटू 4320 पिक्सल है, ये इतनी है जो ये रिसोल्यूशन साइज है। बाकी जो काउंटिंग है वो अलग है, वो आपको काउंटिंग में बता रहा हूँ, ये जो है अभी जो 3 करोड़ वाली है काउंटिंग बता रहा हूँ, रिसोल्यूशन साइज आगे की ये जो इंटू में है वही। तो आप अच्छी तरीके से समझ गए दोस्तों कि पिक्सल क्या है, पिक्सल का पूरा प्रोसेस। तो आई होप कि आपको वीडियो जो है पसंद आया होगा फ्रेंड्स।